हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नो के चैनल। दोस्तों, आज हम अपने लेकर एक नया वीडियो। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो है आपका अनुभव का वीडियो और ये हमारा एक्सपीरियंस वीडियो है 42, जिसे आप देख रहे हैं लाइव। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आज बता दूं दोस्तों कि अगर अभी तक आपने स्मार्ट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट न्यूज चैनल पर आपको आरपीएफ से संबंधित जितना भी ट्रेड टेस्ट का एक्सपीरियंस वीडियो हम आपको यहाँ पर उपलब्ध कराते हैं। साथ ही दोस्तों, जब भी कोई नया सरकारी नौकरी का फॉर्म आता है तो उस फॉर्म के नोटिफिकेशन से लेकर उस फॉर्म के फाइनल जॉइनिंग डेट तक, जी हाँ दोस्तों, हम पूरा का पूरा अपडेट जो है आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज का जो अनुभव है वो दिया दोस्तों हमारे एक स्टूडेंट का है जो पास हुए हैं, और उन्होंने बताया है कि मुझे कि सर, सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो आपका निभाता है वो होता है आपका पहला ही राउंड, यानी कि आपको जब रोटी बनाने और कुछ कहा जाता है, अगर वहाँ पे आप जो है क्लियर कर लेते हैं तो समझ लीजिए आप जो है प्रोसेस में चले जाएंगे। क्योंकि काफ़ी जो है 70-80% लोग सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट राउंड में ही फेल हो जाते हैं, तो जब कुछ बचे हुए कुछ चुनिंदा लोग ही जो है सेकेंड राउंड में जाते हैं, जो उनमें से उनका सिलेक्शन होता है। तो चलिए हम जानते हैं हमारा पहला राउंड जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो चलो, मैं सबसे पहले मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मैं हमेशा डॉक्यूमेंट से बताता हूँ, क्योंकि कोई भी वीडियो ऐसा ना हो कि जिसमें आपको ये ना पता चले कि एक भी स्टेप छूट गया। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या रखनी है अपने पास, आपका एडमिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए और उसके आपके पास दो जेरोक्स होने चाहिए, यानी कि एक नहीं सिर्फ दो। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है आपका जो है आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आपने क्या लिया है वो ही मायने रखता है, यानी कि आपका आधार कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या फिर आपके पास वोटिंग कार्ड जिसे हम कहते हैं पहचान पत्र, वो होना चाहिए। तीनों में से कोई भी एक चीज़ चलेगा, लेकिन दोस्तों मोस्टली अगर आपके पास आधार कार्ड हो तो ज़्यादा अच्छा रहे, क्योंकि आधार कार्ड से जो है बायोमेट्रिक करना आसान होता है। तो ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट फॉर्म। अब नंबर तीन पर जाते हैं जाति प्रमाण पत्र, जिसमें से आता है जैसे SC ST OBC EWS, ये सभी जितने भी कास्ट सर्टिफिकेट में आपने अप्लाई किया है उन सभी का आपको जो है एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर जाना है, साथ में आपको दो जेरॉक्स कॉपी लेके जानी है, और साथ ही दोस्तों आपको जो है नेक्स्ट में दो से लेकर चार फोटो। जी हाँ दोस्तों, आप चार फोटो जो है अपने पास रखिए, लेकिन आपको सिर्फ दो ही लगेंगे। मैं आपको बता दूँ, दो आप हमेशा एडवांस में रखा कीजिए अपने पास, कभी कुछ काम आ जाए। बट आपको RPF ट्रेड टेस्ट के लिए दो पासपोर्ट टाइप फ़ोटो लेकर जाना है वहाँ पर रंगीन, क्योंकि आपका जो है वहाँ पे बायोमेट्रिक होगा और उसके बाद जो है आपका फ़ोटो जो है आपके आदमी कार्ड से मिलाया जाता है, कि जब आप एकदम सेम होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर हम वियर्ड लुक में ज़्यादातर रहते हैं, काफ़ी स्टूडेंट को ऐसा होता है कि वो वियर्ड लुक में रहते हैं और जब फोटो खिंचवाए रहते हैं तो काफ़ी क्लीन शेप में रहते हैं, तो वहाँ पर दिक्कत होती है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप जो भी फ़ोटो आपने अपलोड किया उसी की जो है मैचेबल जो आपका फ़ोटो हो वो लेकर जाइए, या फिर रिसेंट टाइप में कोई फ़ोटो निकलवा लीजिए, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। तो ये हो गई चीज़ें आपके डॉक्यूमेंटेशन से लेकर। आप आ जाते हैं अपने ट्रेड टेस्ट सेंटर पे। तो ट्रेड टेस्ट सेंटर पे आपको पता है दोस्तों, वहाँ पर होता है आपको इस प्रकार जो है स्टूडेंट्स को बैठाया जाता है। जी हाँ, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स को एक साथ तो ट्रेड टेस्ट लिया नहीं जा सकता, इसलिए क्या किया जाता है वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को जो है बैच में डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये बैच डिवाइड हो जाती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार के जो है आपको डिवाइड कर दिया जाता है। अब इस डिवाइड करने के बाद आपको क्या करना होता है दोस्तों, हर बैच में आपको जो है 20 से लेके 25 स्टूडेंट को जो है बांट दिया जाता है, 20, 20, 25, 25। तो ये सभी स्टूडेंट्स को जो है बैच की संख्या नंबर दी जाती है कि 1, 2, 3, 4, 5। आपको सिर्फ अपना नंबर याद रखना है, बैच नंबर। उसके बाद दोस्तों एक कांस्टेबल क्या करेगा, आपको बुलाएगा तो आपको जो है आपका जो कागज़ है, यानी कि जो आपने लेकर आए हैं अपने पास, वो चीज़ें आपकी चेक करेगा कि आपका जो है एडमिट कार्ड राइट है, आपका एडमिट कार्ड में जो फोटो है वो राइट है, आपका डेट ऑफ बर्थ राइट है, आईडी प्रूफ से मैच करेगा, सब कुछ सही हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको अंदर भेजा जाएगा। तो अंदर सबसे पहली चीज़ आपसे यही बोलते कि आपको आटा सानने के लिए कहा जाएगा, और उसके बाद कहा जाएगा कि आप रोटी बना के बताइए। तो ये चीज़ आपको करनी है दोस्तों। यहाँ पे एक बात अच्छी खुशखबरी यह है कि आपके समय के लिए कोई पाबंदी नहीं है कि पहले एक मिनट में 100 ग्राम जो आटा था, ऐसा अब नहीं हो रहा है। तो आपको जो है आपका सफिशियंट, यानी कि लगभग जितना आपको समय ज़रूरत है उतना समय आपको दिया जा रहा है, तो आप आराम से जो है आटा सानिए, उसके बाद रोटी बनाइए। तो आज जानते हैं हम कि आटा सानने में जो हमारा एक्सपीरियंस वीडियो है वो क्या है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊँगा दोस्तों, आप आटा जो आपको दिया गया है उसे आप देख लीजिए एक बार, अपने हाथों से जो है चलाकर देख लीजिए अपने पास कि क्या क्या उसमें जो है कुछ कमी ना हो, जिसे हम कहते हैं कि कभी कभी गांठ होता है आटों में, तो वो सब चीज़ें ना हो। पहले आपको एक बार अपने हाथों से जो है आटों को अच्छी तरह से अपने सूखे ही मत, उसमें पानी मत डालना, पहले अपने हाथों से उसको चलाकर देख लीजिए जब सब कुछ ओके रहे। उसके बाद एक बार हल्का सा पानी डालिए, पहले आटे को चारों तरफ फैला लीजिए, या फिर बीच में उसको कनेक्ट करके उसमें जैसे हम कहते हैं कुआं बनाते हैं एक छोटा सा, उसमें पानी डालिए, फिर उसको चारों तरफ से ढक दीजिए। उसके बाद जब अच्छे से अपने हाथों को मिलाइए उस आटे को, और दोस्तों आटे को जितना आप ज़्यादा सानेंगे, यानी कि जितना आप उसे गूँथेंगे अपनी उंगलियों से कलाइयों से, तो वो जितना आटा पानी के साथ मिक्स होता है उतना ज़्यादा वो मुलायम होता है।
तो ये चीज़ें आपको आज करनी है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आटे को समय दीजिए। रोटी बनने में उतना समय नहीं लगता दोस्तों जितना कि आटा सानने में लगता है, तो आप आटे को ज़्यादा समय दीजिए, आटे को अच्छी तरह से सान लीजिए, और हल्का सा अगर तेल मिल जाए आपको या फिर घी वगैरह कुछ हो तो आप थोड़ा सा उसको मिक्स कर लीजिए, ताकि आपका आटा जो है मुलायम हो जाए। जब आटा एकदम मुलायम हो जाता है, जब आटा सान लेने के लिए रोटी के लिए तैयार है, तो आप क्या कीजिए तवा चढ़ा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, तवा चढ़ा लीजिए। तवा चढ़ाने के बाद क्या होता है कि आपके पास जो है समय जो है बच जाता है, जैसे कि आप जब तक अपना रोटी चकली वगैरह बनाते रहेंगे तब तक जो है आपका तवा गर्म हो जाएगा और आपकी रोटी के लिए तैयार होगा। तो इसलिए आप जो है तवा चढ़ा दीजिए। तवा चढ़ाने के बाद क्या करना है आपको कि रोटी को जो है अच्छी तरह से चकली छोटे से बनाइए। मीडियम रोटी बनाना है आपको, ज़्यादा मोटी ज़्यादा बारीक नहीं बनानी है। तो एक नॉर्मल रोटी जैसे घर पर बनाई जाती है उसको बनाइए, उसको अच्छी तरह से पूरा गोल होना चाहिए, यानी कि पूरी तरह से एकदम गोल। आप समझ सकते हैं गोल मतलब क्या, ऐसा नहीं कि आप चौरस में या पराठा वगैरह जैसा गोल गोल तिरछा तिरछा बनाइए समोसे के आकार का, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। आपको जो है एकदम गोल बनाना है, और गोल रोटी बनाने के बाद दोस्तों उसको बाद आपको तवे पे डाल देना है। तवे पे डालने के बाद क्या होगा कि आपका जो है रोटी चारों तरफ से पहले पकने दीजिए। जी हाँ दोस्तों, एक बार जब तवा को आप रोटी डालते हैं तो उसमें देखते हैं छोटे छोटे बबल्स ऊपर से आने लगते हैं, कि आपको पता चल जाता है कि हाँ अब जो है रोटी पकना स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि एक साइड का पक गई है। जब एक साइड का पक जाती है तो आप उस रोटी को पलट दीजिए, और उसके बाद उसको थोड़ा प्रेस कीजिए चारों तरफ। ये जो हिस्सा मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ डायग्राम में, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे हिस्से जो है कच्चे होते हैं दोस्तों। तो ये जो है आपको इसको अच्छी तरह से जो है पकाना है। उसके बाद जो सेंटर का हिस्सा होता है ये भी काफ़ी कच्चा रह जाता है दोस्तों। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको बताता हूँ मैं इसको। तो ये सारे हिस्से को आप अच्छे से प्रेस कीजिए, अच्छे से उसको पकने दीजिए। जब अच्छी तरह से पक जाएगा फिर उसको वापस पलट दीजिए। उसके बाद पलटने के बाद क्या होगा दोस्तों कि पलटने के बाद आपका जो है रोटी को उसको फुलाइए। जी आपको रोटी फुलाना बहुत ही ज़रूरी है, बिना रोटी फुले आपको जो है नेक्स्ट राउंड में पास नहीं करेंगे। तो रोटी बनाने का अर्थ यहाँ पे सीधा सीधा ये है कि आपको जो है रोटी को फुलाना होगा, और जब आपकी रोटी फूल जाएगी अच्छी तरह से पकी रहेगी तो फिर आपका जो है पीछे कॉन्स्टेबल खड़ा रहता है। हर टेबल पर दोस्तों दो जोहन को जो है बांटा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं कि पूरा टेबल आपको दे दिया जाएगा, जी नहीं, तो दो जन को जो है बांटा जाएगा। दो जन में से आपको क्या है 1-2 जो है आपके पीछे जो है कॉन्स्टेबल की जो है एक संख्या रहेगी। हर दो जन के पीछे एक कांस्टेबल रहेगा, वो बताएगा सर इनका रोटी बन गया है, तो आप एक प्लेट में रखिए। उसके बाद एग्जामिनर आएगा, वो आपकी रोटी को अच्छी तरह से देखेगा, उसके बाद उसको बीच में से फाड़ता है यानी कि तोड़ता है। जब आपको रोटी तोड़ेगा तो उसमें चाहे आप जानते हैं कि रोटी तोड़ने के बाद वो अंदर से चेक करता है कि आपकी रोटी कच्ची तो नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए मैंने कहा कि रोटी को अच्छी तरह से अंदर से पका लीजिए। जब एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं रोटी अच्छे से पूरी पकी हुई है और अच्छे से फूली हुई है, तब जाके आपको जो है नेक्स्ट राउंड के लिए पास करता है। तो यही इंपॉर्टेंट रूल है आपका फर्स्ट राउंड, जिसमें आपको पास होना होता है रोटी बनाना और आटा सानने में। अगर आप ये राउंड पार कर देते तो लगभग जो है आपकी जो है आधा जो है आपने जीत लिया यानी फतेह कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट राउंड में आपको बनानी होती है सब्जी। सब्जी में आज हमसे बनाया गया है दोस्तों भिंडी की सब्जी। जी हाँ दोस्तों, भिंडी की सब्जी आज बनाई गई। तो भिंडी की सब्जी बनाने के लिए क्या हुआ, सबसे पहले तो ये कि आपको भिंडी को अच्छी तरह से धो लीजिए, उसके बाद उसको अच्छे से पोंछ लीजिए ताकि वो चिपचिप ना करे। आपको पता है कि जब भिंडी को धो देते हैं तो उसको चिपचिपाहट आ जाता है, तो उसको अच्छे से पोंछ लीजिए। उसके बाद जो उसका हिस्सा काट दीजिए, उसके बाद उसको इस प्रकार आधा आधा इंच के हिसाब से काट दीजिए गोल गोल। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, उसको अच्छी तरह से एक बार कढ़ाई लीजिए, कढ़ाई में उसको जो है अच्छे से पोंछ लीजिए अगर पानी उसमें है, और अगर देखिए उसको साफ़ है कि नहीं। उसके बाद 2 चम्मच तेल डालिए। तेल डालने के बाद उसमें जीरा वगैरह जो है मसाला वसाला सब डालिए, जो है हल्का सा। तो पहले तेल गर्म कीजिए, तेल गर्म करने के बाद अपने उसमें भिंडी डालिए। भिंडी डालने के बाद दोस्तों आपको जो है सारे मसाले यानी जो प्रोडक्ट्स रेसिपीज हैं वो सब कुछ डालना है, उसको चलाना है अच्छी तरह से। फिर उसमें जितना स्वाद के अनुसार आपको नमक लगता है, 2 जन का है 3 जन का है, तो उसको रोटी में जैसे कैसे खाना है। अगर देख रहे हैं आप एग्जाम में जो है आपको चम्मच से टेस्ट करा है तो उसके हिसाब से डालिए, अगर रोटी से टेस्ट करा है तो आपको पता है कि रोटी के साथ नमक जो है अगर मीडियम रहेगा तो कम लगता है। तो उस हिसाब से आपको तो पता चल ही जाएगा सामने कि एग्जामिनर कैसे चेक कर रहा है। तो उस हिसाब से आप नमक डालिए, उसके बाद उसको ढक्कन से ढक दीजिए, तब वो उसकी भाप से जो है भिंडी अच्छी तरह से गल जाएगी। जब गल जाएगी भिंडी तो दोस्तों आपको पता है भिंडी का टेस्ट वाकई बहुत टेस्टी होता है, और उसमें सुगंध आती है। आप उसको धनिया का थोड़ा सा मसाला जरूर डालिएगा दोस्तों, उसमें थोड़ा अमचूर की खटाई अगर आपको मिलती है वहाँ पर तो आप अमचूर की खटाई यानी जो है वो डालिए, ताकि उसमें एक स्वाद आ जाता है अलग सा। ये सारी चीज़ें आज हमारे जो एक्सपीरियंस वाले वीडियो ने हमें हमारे स्टूडेंट ने बताया कि सर मैंने इस प्रकार जो है भिंडी बनाई, हमारे सर ने जैसे ही भिंडी मैंने टेस्ट किया वैसे मुझे कहा वेरी गुड, बहुत अच्छा भिंडी आपका बनाए। तो ये बारीकियां होती है दोस्तों जो आप लोग सभी लोग को जो है चेक करनी होती है, क्योंकि वहाँ पर यह है कि एग्जामिनर का मूड डिपेंड नहीं करता। एग्जामिनर को देखना पड़ता है कि कितने सारे स्टूडेंट हैं, यानी कि 400 स्टूडेंट्स में से उनके पास भी बहुत टफ कंपटीशन है कि 10 बच्चे हम कैसे पास करें, वो 10 कौन हो सकते हैं। तो वो 10 बच्चे ऐसे ही होते हैं दोस्तों जिनकी सब्जी, जिनका दाल, जिनका बैगन का सब्जी हो, चाहे उनकी रोटी हो, चाहे उनका आटा सानने का तरीका हो, ये सारी चीज़ें जो है इनको आकर्षित कर लेती है कि हाँ इनके पास वो कंटेंट है, उनके पास ये दम है, उनके पास ये रेसिपी है। ये बंदा जो है 10 आदमी का आज बना सकता है, 50
आदमी खाना बना सकता है, इसके अंदर इतनी काबिलियत है और भी टेस्टी, तब जाके दोस्तों आपको जो है नेक्स्ट राउंड के लिए भेजा जाता है। आप ये राउंड पास करेंगे तो आपको दाल बनानी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, दाल बनाने में आपको क्या होता है, आपको पता है कि सभी चीज़ें जो है आपको दाल को अच्छी तरह से धो लेना है। कुकर में धो लीजिए चाहे कढ़ाई में जिसमें आपको बनाने के लिए दिया जाता है, पहले इसको साफ़ कर लीजिए बर्तन को, फिर दाल को धो लीजिए, उसके बाद उसमें पानी मिलाइए, पानी के बाद नमक हल्दी फिर प्याज जो भी आप डालना चाहेंगे, दाल जिसमें टमाटर काट के छोटे छोटे डाल दीजिए ताकि वो गल सके, उसमें अगर उफान ना आए ज़्यादा है इसलिए उसमें हल्का सा तेल मिक्स कर दीजिए, और दोस्तों थोड़ा सा उसमें धनिया का पत्ती डाल दीजिएगा ताकि उसमें एक सुगंध आ जाती है। तो इस प्रकार आपको दाल बनानी है, उसके बाद उसको लास्ट में तड़का देना है। तड़का देना बहुत ज़रूरी होता है, दाल का जो सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है सोने पे सुहागा कहते हैं वो होता है दाल में तड़का देना, तो दाल में तड़का देना ना भूलिएगा ताकि आपकी दाल जो है सुगंधित हो और बहुत ही टेस्टी होती है। ये सारे टेस्ट पास करने के बाद आज हमारे स्टूडेंट का जो है सिलेक्शन हुआ, हमें बहुत खुशी है कि जो हमारे वीडियोज़ देख के कुछ बच्चे को इंस्पिरेशन मिलता है, साथ ही उन्हें एक सिर्फ एक जरिया मिलता है कि हाँ हमें सारे हमारे साथ भी कुछ इसी प्रकार का होगा। कंटेंट भले बदल जाए दोस्तों, आपको भिंडी से बैंगन बनाने को कहा जाएगा, शायद आपको सलाद काटने के लिए कहा जाएगा, लेकिन दोस्तों रोटी और आटा सेम रहेगा और बाकी प्रोसीजर सेम ही रहता है दोस्तों। तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए दोस्तों, और अभी से अपनी तैयारी को जो है दुगनी कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जो है आपको चांसेस है RPF एनएसडी में सेलेक्ट होने का, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है, कोई किसी का जो है पहचान वाला नहीं है, यहाँ पर सभी को मौका मिलता है। जो 400 बच्चे आएंगे उन्हीं में से 10 लोग को चुने जाएंगे, आप भी समझ सकते हैं कितने वो 10 होते हैं जो कंटेंट जो कहते हैं कि हम जुगाड़ लगा के आए हैं, ऐसा नहीं होता दोस्तों। काफ़ी जो है अब जो है अच्छा इसे जो है भर्ती होती है, तो आप अपनी तैयारी को दुगना कर लीजिए और आपका दोस्तों सिलेक्शन पक्का होगा, उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपनी नई जानकारी नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।